वेलकम टू कपल ऑफ थिंग्स एपिसोड गोद भराई स्पेशल. इसीलिए मैं अकेली हूँ. ओके, अनमोल बाद में आ जाएंगे. सो मेरी गोद भराई जब हुई, वी वर इन द मिडस्ट ऑफ अ वेरी स्ट्रिक्ट कोरोना पैंडमिक लॉकडाउन, और मैंने इंटरनेट पे बहुत रिसर्च किया कि गोद भराई के सेरेमनी में क्या क्या रस्में होती है. मुझे कुछ नहीं मिला. फाइनली आई कॉल्ड माई प्रीस्ट इन माई एंसेस्ट्रल होम टाउन कर्नाटका, और मैंने बिल्कुल डिटेल में सारी रस्में नोट डाउन की. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट गाइड फॉर यू. आपके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में किसी की भी गोद भराई सेरेमनी हो, यू कैन एक्चुअली यूज़ दिस एज अ गाइड. एंड ऑफकोर्स जब अनमोल आएंगे, वी विल टॉक अबाउट कि मेरी गोद भराई सेरेमनी में क्या क्या हुआ, पैंडेमिक के बीच बीचों बीच में हमने क्या क्या कैसे किया. So let's start. Couple of things. So ceremony की शुरुआत होगी घर के मंदिर से, योर altar, जहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके माता पिता और उसके इन-लॉज घर के मंदिर के सामने खड़े होंगे. दोनों के हाथ में एक एक थाली होगी जिसमें क्या आइटम्स होंगे, एक कोकोनट, दो पान with a betel leaf, जो सुपारी हम कहते हैं, एंड अ दक्षिणा एनवलप जिसमें कोई भी रकम हो सकती है, 101,001 या एनी थिंग दैट यू नो यू वॉन्ट टू गिव फ्रॉम योर जेनरस हार्ट. और ये दक्षिणा ऑफर होगा टू योर कुल देवताज मंदिर, यू नो जो आराध्य देवता होते हैं. इफ़ यू डोंट नो हु योर कुल देवता और देवी इज, देन यू कैन डोनेट इट टू एनी टेम्पल. एंड वंस दे स्टैंड विद द प्लेट्स, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो दोनों थाली को हाथ लगाएगी. उसके बाद सभी घर के सदस्य प्रार्थना करेंगे कि प्रेग्नेंट लेडी स्वस्थ रहे, उसका आने वाला बच्चा हेल्दी रहे, एंड द होल प्रेगनेंसी जर्नी इज़ स्मूथ. स्टेप नंबर टू, अब आप सेरेमनी को कंटिन्यू करेंगे आपके घर के लिविंग रूम में, या फिर इफ़ यू हैव बुक्ड अ पार्टी हॉल देन दैट विल बी योर वेन्यू. यहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि ये सेरेमनी आप अकेले प्रेग्नेंट लेडी के साथ नहीं सेलिब्रेट कर सकते. इस पूजा में आपको प्रेग्नेंट लेडी के साथ और भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिठाना है. तो आप आसपास में, यू नो, फ्रेंड सर्कल में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर हो, आप उसको इनवाइट करेंगे और सब प्रेग्नेंट लेडी साथ में मिलके उनकी गोद भराई की पूजा होगी. इफ़ यू डोंट हैव एन ऑप्शन लाइक दिस, तो जैसे मैं, आई वॉज इन द मिडल ऑफ अ पैंडमिक, इसका भी एक ऑप्शन है हमारे ट्रेडिशन में. तो क्या करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को आप एक चेयर पे बिठाएंगे, बगल में आप एक और चेयर रखेंगे जिस पे आप एक स्टूल रखेंगे ताकि हाइट बराबर का हो. स्टूल पे आप एक कलश, उस पे एक नारियल रखेंगे. आप उसको डेकोरेट भी कर सकते हो एक अच्छा सा, कोई एक चुन्नी वगैरह लपेट के, बिकॉज वो है एक और प्रेग्नेंट लेडी का प्रतीक. इट्स अ सिम्बॉलिक यू नो जेस्चर. एंड आपको एक और चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि ये जो नारियल है इसका जो कोन होता है वो, इट शुड नॉट बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सीलिंग, इट शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फ्रंट. सो द कोन इज़ ऑलमोस्ट लाइक द नोज ऑफ द लेडी. तो जब आप हल्दी कुमकुम लगाते हो, यू नो, वो नाक एक अच्छा खूबसूरत, इट्स लाइक अ सिम्बॉलिक फिगर. तो हम इसको कलसी बुलाएंगे. तो जब मेरी गोद भराई हुई, आई हैड कलसी सिटिंग नेक्स्ट टू मी, एंड दैट्स द पिक्चर. एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो गोद भराई की पूजा होती है, इसमें जो औरतें पार्टिसिपेट करती हैं एंड दे परफॉर्म फॉर द प्रेग्नेंट लेडी, वो सब शादीशुदा औरतें होनी चाहिए, सवाशिनी जैसे हम बोलते हैं. और जो अनमैरिड औरतें हैं, दे कम इन द हल्दी कुमकुम वाली रस्म या फिर गिफ्टिंग रस्म, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकती है. अब हम शुरू करेंगे गोद भराई सेरेमनी की. गोद भराई मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी गोद को भरना. तो इस सेरेमनी में जो मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो है लड़की की माँ और मदर इन लॉ. ओके, उसके अलावा इफ़ एनी ऑफ दीज टू मदर्स इज़ मिसिंग, देन कोई भी एल्डरली वुमन जो शादीशुदा है, लाइक अ ग्रैंड मदर और एनी एल्डरली लेडी इन द फैमिली और क्लोज रिलेशन, कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट. तो इसमें क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बैठेगी अपने गोद में एक दुपट्टा और एक, यू नो, लाइक अ बोल, क्योंकि उसमें चीज़ें समेटने में आसान होगी, तो एक बोल रख के बैठेगी. जो दोनों माओं के हाथ में जो थाली है उसमें होगा हल्दी कुमकुम,
अक्षत, जिसमें अक्षत इज यू नो जिसमें हम ऑलरेडी सिंदूर मिलाया हुआ राइस जो होता है उसे अक्षत कहते हैं, उसमें होगा एक बोल जिसमें भरा होगा चावल से और फ्रूट्स, उसमें और भी चीज़ें हो सकती है जैसे यू नो एनी ज्वेलरी आइटम और साड़ी, जो भी आपको दिल से गिफ्ट करना है टू द प्रेग्नेंट लेडी वो थाली में होगा। तो शुरू करते हैं लड़की के मम्मी से। पहले लड़की की मम्मी लड़की को लगाएगी हल्दी, फिर कुमकुम, फिर डालेगी अक्षत, फिर फ्लावर पेटल्स, एंड देन यू नो अगर किसी बाल में कोई फूल चढ़ाना है, गजरा लगाना है, एंड इमीडिएटली शी विल डू द सेम थिंग टू द कलसी। उसके बाद जो माँ है वो दोनों हाथों से चावल को लेके लड़की के गोद में तीन बार ऐसे डालेगी, ओके, एंड देन आफ्टर दैट शी कैन कीप फ्रूट्स और एनी गिफ्ट, साड़ी, ज्वेलरी, कुछ भी अपने दिल से उनके गोद में रख सकती है। इस सेम प्रोसीजर को फॉलो करेगी द मदर इन लॉ। इसके बाद कंटिन्यू होगा हल्दी कुमकुम लगाने का रिचुअल, बट विथ द अनमैरिड वुमेन और यंग गर्ल्स, जो एक के बाद एक हल्दी कुमकुम लगाएंगे टू द प्रेग्नेंट लेडी, उसको फूल चढ़ाएंगे, कोई भी गिफ्ट यू नो ऑफर करेंगे। अब नेक्स्ट होगा शाश आरती, विच इज़ गोद की आरती। तो इसमें क्या होता है, एक थाली होगी जिसमें पांच नीलांजन होंगे। नीलांजन इज़ दिया, ये दिए घी में नहीं तेल में जलेंगे, और उसके अलावा उस थाली में होगा अक्षत, ओके, दैट्स इट। सो कैसा होगा दैट द मदर एंड द मदर इन लॉ दोनों उस थाली को हाथ में लेंगे, बाकी की जो मैरिड औरतें हैं वो भी अपना एक एक हाथ यू नो टच करेंगी। सो एवरीबडी डज द आरती टुगेदर, प्लेट एक ही होगा, एंड मदर एंड मदर इन लॉ दोनों लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में तीन बार इस आरती को करेंगे, विच शुड कवर द फेस ऑफ बोथ द प्रेग्नेंट लेडी एंड द कलसी और द अदर प्रेग्नेंट लेडी और लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू हर, ठीक है। और याद रखना कि आरती जो होती है कभी साइलेंट नहीं होती, तो इस आरती में आपको कोई भी आप देवी का स्तोत्र आप गा सकते हैं, बट आपको याद रखना है कि यू हैव टू बी लिटिल कैलकुलेटिव, बिकॉज एक आरती उतारने के बाद आप लेफ्ट हाथ से, सो राइट हाथ से जो आरती की थाली पकड़ी है, लेफ्ट हाथ से वो अक्षत लेंगे और अक्षत लड़की के सिर पे डालेंगे, फिर दूसरी आरती उतारेंगे अक्षत डालेंगे, और तीसरी आरती उतारेंगे अक्षत डालेंगे, ओके, एंड द आरती गोज ऑन, सो द रेस्ट ऑफ द लेडीज कैन कंटिन्यू सिंगिंग द आरती, बट द मदर हैज़ टू रिमेंबर, द गर्ल्स मदर हैज़ टू रिमेंबर कि उनको ये लेफ्ट हाथ से अक्षत डालना है बेटी के सिर के ऊपर। फिर माँ क्या करेगी, उस आरती को ख़त्म होने के बाद उस प्लेट को घुमाएंगी, तो जो दो पान और सुपारी जो प्लेट में रखी है, नाउ द नीलांजन विल बी फेसिंग द मदर एंड द पान सुपारी विल बी फेसिंग द डॉटर, और बेटी अपने दोनों हाथ से उस पान सुपारी को हाथ लगाएगी, विच इज़ अ सिंबल दैट उनको तृप्ति मिली है उस आरती से। इसके बाद होगा मुँह मीठा, तो एक छोटे से प्लेट में टू पिंचेस ऑफ शुगर एंड लिटिल मिल्क, तो सबसे पहले लड़की की माँ दो पिंच शुगर शक्कर लड़की के मुँह में डालेगी, थोड़ा सा दूध डालेगी एक स्पून से शक्कर लड़की के मुँह में, रिपीटेड बाय द मदर इन लॉ। इसके बाद जो अभी अभी जो शादीशुदा औरतों की एंट्री हुई है सेरेमनी में, द औरतों की एंट्री हुई है का जो सबसे पहले जो हुआ था वो पूरा प्रोसेस वो कर सकती है, एंड देन सारे मेहमानों के जाने के बाद जो होता है वो है नज़र उतारना, दृष्टि उतारना जैसे हम कहते हैं। तो ये होता है सिर्फ यू नो द मदर ऑफ द गर्ल कैन टेक हर इनटू अ रूम सारे मेहमान जाने के बाद, प्रेफरेबली जस्ट द मदर एंड द डॉटर इन द रूम, एंड द मदर उनको क्या करना है, एक बड़ा सा प्लेट लेना है जिसका बॉर्डर हो, क्योंकि उसमें दो ग्लास पानी होगा, उसमें एक टीस्पून कुमकुम, आधा टीस्पून हल्दी, एंड क्या करना है उनको, लड़की का नज़र उतारना है लेफ्ट टू राइट कवरिंग हर फीट टू द हेड तीन बार,
और फ्रंट से ही आरती ये नज़र उतारना है, पीछे से नहीं। और जिन जो भी कि मेरी बेटी को किसी का नज़र ना लगे, या जो भी अगर आपको कोई नाम लेने हैं, यू नो यू कैन टेक दोज नेम्स। सो दैट दिस इज़ जस्ट अ यू नो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में होता है, एक लड़की का नज़र उतारना है आफ्टर सम नाइस ओकेजन और मैनी पीपल हैव वॉच्ड हर, तो दैट इज़ द सेरेमनी। एंड यस, अभी मैं क्विकली कुछ चीज़ें बताऊंगी, जैसे जो नारियल इस्तेमाल किया था कलसी का, और जो भगवान को जो हमने शुरुआत में ऑफ़र किया था उसका हम कुछ मीठा बना सकते हैं, एंड यू नो यू कैन ऑफर इट टू द फैमिली। जो पानी है जिसे नज़र उतारा है, दैट यू कैन जस्ट पोर इन टू द फ्लावर बेडिंग और अ फ्लावर पॉट। एंड या द डोनेशन मनी, लाइक आई सेड, आपके कुल देवता को या फिर कोई नज़दीक जो देवी या शिव का मंदिर हो, आप उसमें उसको दान कर सकते हैं। और अब एंट्री होगी टन टन। You've done the whole thing without me. Of course. अरे इट्स मोस्टली अ वुमेन्स सेरेमनी, सो ऑब्वियसली जनाबों की थोड़ी लेट एंट्री होगी। अच्छा जी, तो ये वीडियो मतलब फिर अब हमारे कब काम आएगा दोबारा? हमारे तो काम नहीं आएगा, बट बहुत लोगों का काम आएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, एंड मैंने बहुत दिल से ये सब लिख के यू नो आई हैव शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, सो दैट यू कैन जस्ट शेयर इट विद एवरीवन यू नो हुम यू नो। और सिर्फ अभी नहीं, इवन जब गोद भराई की सेरेमनी हुई थी उससे पहले अमृता ने बहुत डिटेल में अपने पंडित जी से बात करके, एंड तब से इसके मन में था कि ये आप सबके साथ शेयर करें, ताकि किसी के भी घर में कभी ऐसा कुछ गोद भराई का फंक्शन हो रहा होता, you just played and Amrita Rao will be a part of your god bride and she'll take you through the whole ceremony. Isn't that so sweet of you? Okay, so saadi ka to batao, tumne saadi ka bataya apni? Yeah, I was, you know, so pandemic ke beech mein kuch action hi nahi ho raha tha, sirf mere pet mein action ho raha tha. So I was very excited about my god bride ceremony. Mujhe aisa lag raha tha ki kab August aaye, kab wo date aaye aur mujhe you know like sajne dhajne ka mauka mile, and I was very excited about wearing something traditional. Jewelry pehne ka to mujhe shauk hai hi. So jo sari hai jo god bharai ki, uske liye bhi maine itna research kiya. I think I must have not left a single image on Google. Mera wala yellow, oh ho ho bhai saab, yeah mera wala yellow, it was so beautiful. Jab wo sari aayi एंड हमने जो पैकेट खोला, ओ माई गॉड, आई वॉज लाइक जंपिंग विद जॉय, बिकॉज यू नो ऑनलाइन मैं आई डोंट रियली परचेज ऑनलाइन, दैट वॉज लाइक माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई साड़ी, एंड आई गॉट अ ब्लाउज टू मैच, एंड आई वॉर माई ज्वेलरी, एंड यू आर डूइंग सो ब्यूटीफुल। बहुत बहुत मजा आ रहा था, और इनफैक्ट वी एज अ फैमिली ऑल्सो, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था, बहुत कम मिलते थे, तो ब्यूटीफुल ओकेजन की हम सबके साथ एक साथ में मिले। And meri behan ne, yeah, I was very excited about Anmol sister Ankita being there, because she's someone who really you know like char chand laga deti hai kisi bhi chote se bhi festival ko, chota sa bhi celebration ko, and she was in Europe then, she was in Hungary, and she had just finished her assignment, and she had come perfectly in time, to mujhe bahut acha laga tha, because she was like the master of the ceremony, you know, the way she conducted it, the chote chote gifts nikal nikal ke, and then the mask, Santa Claus, and you know unhone bahut sare gifts diye mere god mein, aur ek mask bhi diya which said mom to be and dad to be, that was so cute. I think we actually wore it to the on our way to the delivery. Yes jab hamara bilkul November mein, absolutely so I think that was the it was a short and sweet ceremony. Godh bharai ka ye bahut hi short and sweet ceremony hai. If you have your things correct, if you have all the samagri in place, it's a very short and sweet celebration. Is video ke description mein bhi hum detail mein सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो आपके लिए लिखेंगे, सो दैट यू नो लाइक यू कैन जस्ट मेक अ प्रिंट आउट एंड देयर यू गो बडी। बट बिफोर दैट ऑफ कोर्स मेक अ बेबी, हां मतलब गोद भराई से पहले का एक और काम है। You really don't have to make a baby if you know anyone who is making a baby. हाँ, you can give it to them. Forward it to them, dude. This, I think that's the best गोद भराई gift you can give anyone. How sweet! And in fact, हमारा अगला episode होगा where we are going to take you through the last trimester of our pregnancy journey, यानी कि last 3-4 महीने थे, and then finally when that D day came, 1st of November, जब आए हमारे Mr. Veer, बहुत सी कहानी है उससे जुड़ी हुई नहीं? So keep subscribing if you haven't done it yet. And of course, couple of things.